फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र अंतर्गत टापा खुर्द गांव में सुभाष की हत्या करने वाला अभियुक्त पंकज 24 घंटे के अंदर आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बीते दिन एसपी सिटी कार्यालय के सामने मृतक के परिजनों ने जाम लगाया था। एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने वार्ता के दौरान मीडिया को जानकारी दी। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल पत्थर बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। सर, किस तरह का खुलासा किया है आज? फिरोजाबाद के थाना उत्तर के अंतर्गत टापा खुर्द गाँव में परसों शाम को लगभग रात्रि 9:30 बजे दो युवक एक गंगादेव नामक आदमी के दुकान पर पहुंचे। वहां पर इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसमें से जो अभी व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे, इसका नाम पंकज राजपूत है, इसने उस विवाद में एक पत्थर उठाकर मार दिया जो सुभाष चंद्र को लग गया। उसके सर पर चोट लगी, गंभीर चोट थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कुल 5 लोगों की नामजदगी की गई है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की गई पंकज राजपूत की गई है, और इसमें साक्ष्य संकलन किया गया है और आपके सामने पत्थर रखा हुआ है जिसमें उसके बाल भी मृतक के लगे हुए हैं। इसी पत्थर से हमला किया गया था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों के संदर्भ में भी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।